CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पांचवी जमात की उर्दू की पाठ्य पुस्तक इब्तदाई उर्दू के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम पहली जंगे आजादी का सिपह सलार। आमिर आज बहुत खुश था। उसके स्कूल में यौम आजादी का जश्न मनाया जा रहा था। इस मौके पर स्कूल में एक ड्रामा स्टेज किया गया जिसका मौजू था पहली जंगे आजादी का सिपाह सालार। इस ड्रामे में बहादुर शाह जफर की जिंदगी के हालात पेश किए गए थे। आमिर ने भी इस ड्रामे में हिस्सा लिया। ड्रामा बहुत पसंद किया गया और सबने तलबा की बहुत तारीफ की। आमिर के अब्बू भी प्रोग्राम देखने गए थे। घर लौटकर उन्होंने आमिर को मुबारकबाद दी। अब्बू, मैं 1857 की जंगे आजादी के बारे में और मालूमात हासिल करना चाहता हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ बताइए। बेटा, ये एक लंबी कहानी है। बस यूं समझ लो कि अंग्रेज अपने नापाक इरादों के साथ हिंदुस्तान में दाखिल हुए, ताजिर बनकर आए, ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की, अपने मुल्क का माल यहां बेचने लगे और यहां की चीजें औने पौने दामों खरीद कर अपने मुल्क ले जाने लगे। धीरे धीरे वो बाज हिंदुस्तानी सनतों के मालिक बन बैठे। अपनी चालाकी और मक्कारी से उन्होंने मुल्की इंतजामात अपने हाथ में ले लिए। 1837 में जब बहादुर शाह जफर को बादशाह बनाया गया तो मुगलों की हुकूमत नाम की रह गई थी। अंग्रेज बादशाह को वजीफा देते थे और हुक्म कंपनी के अफसरों का चलता था। अब्बू, तो बादशाह अंग्रेजों की बात मानते ही क्यों थे? बेटा, अंग्रेज बड़े ताकतवर हो गए थे, उन्होंने अपनी फौज भी बना ली थी। तो क्या इतने बहुत से अंग्रेज हिंदुस्तान आ गए थे कि उनकी फौज भी बन गई? नहीं बेटा, अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों को अपनी फौज में भर्ती किया था। तनख्वाह अंग्रेज देते थे, इसलिए हिंदुस्तानी उनका हुक्म मानते थे। तो क्या बादशाह के पास फौज नहीं थी? बेटा, फौज तो थी लेकिन बराए नाम। फिर 1857 की जंगे आजादी कैसे लड़ी गई? अंग्रेजों का जुल्म और नाइंसाफी बढ़ती जा रही थी, अवाम में बेचैनी थी। गिरफ्तार करो इन सबको, अरेस्ट देम, ले जाकर ठूस दो इन सबको जेल के अंदर। बहादुर शाह जफर को भी अवाम के हालात का इल्म था। वो अपने मुल्क को अंग्रेजों से निजात दिलाना चाहते थे। उधर अवध की बेगम हजरत महल, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बिहार के बाबू कंवर सिंह, नाना साहब पेशवा और तात्या टोपे वगैरह अपने अपने इलाकों में अंग्रेजों के कदम उखाड़ने की जिद्दोजहद में लगे थे। अब्बू, इसका मतलब ये हुआ कि सारे मुल्क में लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे। हाँ बेटा, अंग्रेजी फौज के हिंदुस्तानी सिपाहियों में भी अंग्रेजों के खिलाफ बेचैनी पैदा हो रही थी। अंग्रेज इन हिंदुस्तानी फौजियों के साथ बदसलूकी करते थे। अंग्रेजों के खराब रवैये और बाज दूसरे मामलात की वजह से मेरठ छावनी के हिंदुस्तानी सिपाहियों ने बगावत कर दी। हम सिपाही लोग इन अंग्रेजों को मजा चखा कर ही दम लेंगे। उन्होंने अपने अंग्रेज अफसरों को कत्ल कर दिया। 10 मई 1857 को 5000 सिपाहियों ने दिल्ली का रुख किया। साथियों, मेरा सुझाव है कि हम सभी दिल्ली चलें और मुगल सल्तनत के चिराग बहादुर शाह को अपना बादशाह बना लें। हाँ, ये ठीक है। अगले दिन वो सिपाही लाल किले पहुंचे, बादशाह जफर को अपना शहंशाह तस्लीम किया। सिपाहियों ने बादशाह से दरखास्त की कि वो उनकी कमान संभाल लें। इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेजों की फौज अब बहादुर शाह जफर की फौज हो गई।
हाँ बेटा, जिस फौज ने बगावत की थी वो अब बहादुर शाह जफर के साथ हो गई थी। बहादुर सिपाहियों, हम सब मिलकर अंग्रेजों से बदला लेंगे और उन्हें उनकी ज्यादतियों का सबक सिखाएंगे। उन्होंने फौज की कमान जनरल बख्त खां को सौंप दी। उनकी सरबराही में हिंदुस्तानी फौजियों ने अंग्रेजों को दिल्ली से भगा दिया। तो फिर ये जंग नाकाम क्यों हुई? इसलिए कि अंग्रेजों की फौजें दिल्ली के बाहर मोर्चे बनाए डटी रहीं। अंग्रेज अपनी फौजी ताकत बढ़ाने में लगे रहे। वो हिंदुस्तान पर मुकम्मल हुकूमत के ख्वाब को अधूरा नहीं छोड़ना चाहते थे। उनके जासूस शहर में फैले हुए थे और हिंदुस्तानी फौज की पल पल की खबरें अंग्रेजों को पहुंचा रहे थे। हिंदुस्तानी सिपाहियों ने 5 महीने तक डटकर अंग्रेजों का मुकाबला किया, लेकिन ये फौज मुनज्जम ना थी। उनके पास वसाइल की भी बेइंतहा कमी थी। इस वजह से अंग्रेज दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने में कामयाब हो गए। Well, दिल्ली में हमारा कब्जा हो चुका है। ओहो, तो इस वजह से ये जंग नाकाम हुई। हाँ बेटा, उस वक्त अंग्रेजों की चालाकी हम पर भारी पड़ी। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। फिक्र मत करो, अंग्रेजी हुकूमत के मुकाबले में इनके पास ताकत ही क्या है। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया और उनके 2 बेटों को सरेआम गोली मार दी गई। अंग्रेजों ने आजादी की इस जंग को गदर का नाम दिया। बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाकर उन्हें बगावत का जिम्मेदार करार दिया और जिला वतन करके उन्हें रंगून भेज दिया। अपने वतन से दूर? हाँ बेटा, बहादुर शाह जफर को अपने वतन से बहुत मोहब्बत थी। वो हिंदुस्तान वापस आना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी एक नहीं सुनी। बहादुर शाह जफर ने ये ख्वाहिश भी जाहिर की कि उनकी मौत के बाद उनको हिंदुस्तान में दफन किया जाए। अंग्रेजों ने उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी नहीं की। 9 नवंबर 1862 को उनकी वफात हुई और उन्हें रंगून ही में दफन कर दिया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहादुर शाह जफर अपने वतन आ ही ना सके। हाँ बेटा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आजाद हिंद फौज के साथ पहली जंगे आजादी के इस सिपाह सालार के मजार पर हाजिरी दी। उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि उनके बाकियात हिंदुस्तान ले जाए जाएं। इस तरह बहादुर शाह जफर की रहनुमाई में आजादी की जो जंग शुरू हुई थी वो 15 अगस्त 1947 को कामयाबी से हमकिनार हुई। इसकी याद में आज तुम्हारे स्कूल में जश्न मनाया गया। आपने बड़ी अच्छी मालूमात फराहम की। मैं ये सब बातें अपने दोस्तों को बताऊंगा, वो भी सुनकर खुश हो जाएंगे। अभी आपने सुना कार्यक्रम पहली जंगे आजादी का सिपह सालार। अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, कलाकार परवेज गौहर और शमाइला परवेज, ध्वनियंकन बटी लैंगलिंगडो, निर्माण सहयोग अमित कुमार, निर्देशन और निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।